भारत वर्ष को वैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने के संबंध में महोदय जी इस ज्ञापन के माध्यम से संगठन के समस्त सदस्यों एवं भारत वर्ष में रह रहे आम हिंदू जनों को भारत वर्ष को वैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की इच्छा एवं भावनाओं को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके पर्याप्त पुष्ट एवं स्पष्ट कारण भी है जो निम्नावत है। पहला, भारत प्राचीन काल से ही वैदिक सनातनी परंपराओं को मानने वाले देश रहा है। दूसरा, वर्तमान में भी हिंदू धर्म के अनुयायियों की ही संख्या अधिक है। देश की आधी जनसंख्या द्वारा अंगीकृत धर्म ही देश का धर्म होता है, यह मान्यता विश्व के अन्य देशों में भी है। चौथा, भारत विभाजन विलेख के अनुसार हिंदू धर्म से विभिन्न धर्मावलंबियों को उनकी मांग के अनुसार भारत भूमि का बड़ा भूभाग एक स्वतंत्र देश के रूप में दिया गया था। आज विश्व में वह इस्लामिक देश के रूप में मान्यता प्राप्त देश है। तदनुसार शेष भारत हिंदुओं के निवास हेतु और हिंदुओं को दिया गया था। पांचवा, विश्व में हर धर्म पंथ के अपने अपने देश हैं, तो हिंदू अगर भारत से भगा गया तो कहाँ जाएगा। इसलिए हिंदुओं को अपने देश भारत को हिंदू राज घोषित किया जाए। छठवा, भारत का संविधान पहले ही सभी धर्मों को मानने की छूट देता है, किंतु अलग राष्ट्र लेकर भी अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों का धर्म कभी भी राष्ट्र का धर्म नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। भारत से अलग हुए सभी देश धार्मिक आबादी के आधार पर धार्मिक देश हो सकते हैं, तो भारत हिंदुओं का देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता। अतः हम सभी राष्ट्रीय हिंदू संगठन के सदस्य हिंदू जनमानस आपसे विनम्र निवेदन एवं पुरजोर मांग करते हैं कि बहुसंख्यक हिंदू जनमानस की भावनाओं एवं इस्लामिक कट्टरता ईसाइयों का अवैध धर्मांतरण द्वारा हिंदू धर्म पर लगातार किए जा रहे अन्यथा प्रतिघात से हो रही हानि को दृष्टिगत रखते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, अन्यथा हिंदू धर्म सदा सदा के लिए पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगा। इस क्रम में आज राष्ट्रीय हिंदू संगठन की विगत 11 वर्षों की तपस्या का आज पहला प्रथम चरण है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र दुबे सत्या जी की 11 वर्षों की तपस्या के लिए आज हम पहले चरण में पुरजोर ताकत से खड़े हुए हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना राष्ट्रीय हिंदू संगठन की सर्वप्रथम मांग है और इसके लिए हम आज से सुचारू रूप से सप्ताह व सप्ताह हर सप्ताह में प्रतिक्रियाएं करते रहेंगे जब तक कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता है। क्या प्रक्रियाएं हैं, किस हफ्ते में क्या कार्यक्रम होने वाले? जैसे ये 5 श्रृंखलाओं में हमने बांटा है, 5 सप्ताह की श्रृंखलाओं में बांटा है। हमारी दूसरी प्रक्रिया जैसे मानव श्रृंखला, फिर तीसरी मौन धारण, इस तरीके से अलग अलग क्रमबद्ध तरीके से चरणों में राष्ट्रीय हिंदू संगठन अपनी प्रतिक्रियाएं देता रहेगा और जब ये प्रक्रियाओं के बाद भी शासन प्रशासन इस पे किसी प्रकार का एक्शन या प्रतिक्रिया नहीं लेगा तो अंतिम में ये हम दिल्ली के उस मैदान में जाकर अपना प्रदर्शन चालू रखेंगे। कितने जिलों के लिए आंदोलन है? 57 जिलों के लिए आंदोलन है। प्रथम चरण में अभी हमारे 57 जिले हैं और द्वितीय चरण में हमारे हिंदुस्तान में जितने भी जिले हैं वे सभी समर्पित होंगे।
जी नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। मैं प्रियंका मिश्रा, राष्ट्रीय हिंदू संगठन जबलपुर जिला प्रवक्ता के कार्य पर मतलब हूँ, अभी फिलहाल कार्य कर रही हूँ। उससे पहले मैं एक ज्योतिषाचार्य भी हूँ और सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लेकर हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे वैसे हमारे हिंदू राष्ट्र संगठन का मतलब लक्ष्य क्या है, परंतु फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारतवर्ष की वर्तमान स्थिति जैसे राजनैतिक है, मतलब सांस्कृतिक स्थिति हर तरह से मतलब देखते हुए हमारे संगठन के वरिष्ठ लोगों ने मतलब ये सोचा, ये समझा कि पदाधिकारियों ने कि हमारे संगठन को विस्तार करने हेतु आखिर हम क्या करें। तो शासन प्रशासन, हमारे हिंदू राष्ट्र के निर्माण कर्तव्य साक्षात करने के हेतु राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब निश्चय किया गया कि चलो राष्ट्रीय आंदोलन करें। शायद इसी से कुछ समर्थन मिले हमें, जिसका आरंभ आज हम सभी यहाँ पर करने वाले हैं। और आरंभ में यही है कि आज जो राष्ट्रीय हिंदू संगठन जो कर रहा है, पहला हमारा पहली ये सीढ़ी है, तो इस सभी को यही उद्देश्य है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। क्यों? क्योंकि जब परेशानी आती है तो लोग आते हैं, परंतु आप यदि पहले आएंगे, जुड़ेंगे, यदि कुछ कार्य करेंगे, तब तो हम संगठन के लोग भी आपके लिए कुछ करेंगे। संगठन में ही शक्ति है, संगठन में शक्ति है, एकता से कि तो एकता होनी जरूरी है। अकेले आप चाहो तो कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए आप सबको मेरा यही कहना है कि हमारे राष्ट्रीय हिंदू संगठन से जुड़िए और आपकी जितनी भी परेशानी है, जो भी है, हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। और इतना आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपकी सारी परेशानी प्रभु दूर जरूर अवश्य करेंगे। तो क्या आश्वासन मिला है? अभी तो ज्ञापन के माध्यम से हमने सिर्फ सूचना अभी दी है कि हमारा हिंदू राष्ट्र आंदोलन का आगाज हो चुका है और ये ज्ञापन उसी का एक संदेश है। महामहिम राष्ट्रपति जी भारत गणराज्य एवं माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार जी के नाम पर। तो क्या मुख्य मांगे हैं जो तो हिंदू राष्ट्र के अतिरिक्त? मुख्य मांगे तो हमारी 9 मांगे और हैं, जिसमें भारत को तत्काल प्रभाव से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए संवैधानिक तौर पर, और संपूर्ण भारत में गुरुकुल की स्थापना किया जाए, काशी मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून संपूर्ण भारत में तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, धर्मांतरण एवं लव जिहाद पर कठोरतम कानून बनाया जाए, कॉमन सिविल कोड लागू किया जाए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, भारत सरकार बहुसंख्यक कल्याण बोर्ड का गठन करे एवं संपूर्ण भारतवर्ष के मदरसों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाए। ये हमारी 9 मुख्य मांगे भी हैं, जिसमें से एक मांग आज हमने ज्ञापन के माध्यम से आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी एवं राष्ट्रपति जी के नाम पर हमारे जिलाध्यक्ष कलेक्टर महोदय के माध्यम से भेज दिए हैं। इसी कलेक्टर महोदय का क्या आश्वासन रहा इस ज्ञापन के लिए? कलेक्टर महोदय का आश्वासन ये था कि आपकी जो भी हमारी है, हम ऊपर आप यहाँ से भेज देंगे, इतना सहयोग उनका है और ये क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। आगामी 6 सप्ताह तक, आगामी 5 सप्ताह तक जिले के जो 50 जिले आज इसी कार्य को किए हैं देश भर से, अगला सप्ताह हमारा होगा मानव श्रृंखला का 1 किलोमीटर का, उसी कड़ी में तीसरा सप्ताह हमारा होगा जिला कार्यालय आधारताल से बलिदान स्थल तक हम लोग मौन जुलूस निकालेंगे, चौथा और पांचवा सप्ताह हमारा जनपदों में हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से होगा, 11,000 हस्ताक्षर करवा के भेजा जाएगा। उसके बाद छठवें सप्ताह में 100 जिले और जुड़ेंगे, तो हमारे हो जाएंगे 150 जिले, और इसी क्रम में ये आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन में परिवर्तित होगा, ऐसी आशा ही नहीं अभी तो हम पूरा विश्वास रखते हैं। और राष्ट्रीय हिंदू संगठन इस पूरे आंदोलन को सुनियोजित ढंग से संचालित करेगा। मैं सभी अपने वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे सहयोगी एवं हमारी वीरांगना प्रकोष्ठ की सभी बहनों को बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने आज काफ़ी संख्या में एकत्रित होकर इस जुलूस को एक भव्य रूप दिया और सफल कार्यक्रम बनाया।